बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। आज से मैं एक वीडियोस का नया सिलसिला शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स और उनके जवाब जो होंगे उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। जो लोग आप कमेंट करते हैं उसका जवाब देना वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से बंदा समझा सकता है, क्योंकि वो लिख के बंदा मैसेज की रिप्लाई करता है तो आगे से फिर क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो बेहतर होता है कि बंदा एक दफ़ा लिखने के बजाय वीडियो में एक आंसर कर दे। तो और साथ कुछ लोग जो हैं वो नंबर मांग रहे होते हैं व्हाट्सएप का, तो इन दिनों में व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मसरूफियत की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से ऊपर मेरे साथ बात कर सकेंगे। तो तब तक मैं ये है कि जो आपके कमेंट्स हैं उनको बारी बारी मैं रिप्लाई करूँगा और उसके ऊपर आंसर करूँगा वीडियोज़ की सूरत में। तो आज एक भाई का कमेंट है उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। उनको नौमान नाम है इनका, और इन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सेक्टर लगाकर डायरेक्ट आप मोबाइल फ़ोन में जो है उसको कनेक्शन दें, गांव के अंदर तार और राउटर वगैरह ना लगाने पड़े और 100 या 80 कनेक्शन जो हैं या मोबाइल जो हैं वो डायरेक्ट चल सकें। तो इनका कमेंट ये है कि जो सेक्टर एंटीनाज जो ISP वाले यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वाले यूज़ करते हैं वो जो डायरेक्टली 5G GHz के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इस वक्त बहुत कम कुछ मॉडल्स हैं मोबाइल के जो 5G GHz के ऊपर काम करते हैं, बाकी 2.4 GHz उसके ऊपर चल रहे हैं। तो आपको इतने मोबाइल 5G GHz वाले नहीं मिलने वाले जो कि आप डायरेक्टली किसी 5G GHz वाली डिवाइस से कनेक्ट कर सकें। तो अगर आपके पास कोई 5G GHz वाली डिवाइस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्टर्स भी होते हैं, CPEs भी होती हैं, तो वो लगा के उसमें प्रोफाइल डाल कर दें, उसमें आपको पता हो कि वो अगर फीचर है प्रोफाइल का तो आप वो कर सकेंगे। कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें वो फीचर प्रोफाइल डायल करने वाला नहीं होता, वो सिर्फ़ एक्सेस पॉइंट के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसा कि UBNT का सेक्टर एंटीना है, उसको आप यूज़र एंड पे स्टेशन पे या फिर एक्सेस पॉइंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें डायरेक्ट मोबाइल से आप प्रोफाइल नहीं डायल कर सकते, वहाँ पर नेट चलाने के लिए आपको उस सेक्टर के अंदर लाजमन प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ हो, पैकेज लगा हुआ हो, स्पीड उसके ऊपर मेंशन हो, ताकि वो आगे फिर उस हिसाब से सिग्नल थ्रो कर रहा हो और आगे लोग उससे कनेक्ट करके नेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसके मुतबादल आप अगर एक गांव में सिग्नल इस तरह डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर देना चाहते हैं तो आपको जो UBNT का ओमनी एंटीना है वो लगा लें आप किसी गाँव के सेंटर में, तो वहाँ उसके अंदर आप जो है वो प्रोफाइल डायल करें और उसके सिग्नल्स के साथ आप डायरेक्टली मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2.4 GHz पे इस्तेमाल होने वाली जो CPEs हैं जिसमें टेंडा की CPE है, टोटोलिंक की है और इनकी है अदर कंपनीज़ हैं जिसमें TP लिंक वाले हैं इनकी भी हैं, और UBNT की अपनी भी CPE है एक, ये 3-4 CPEs हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी मेरी बनी हुई है। तो ये वो CPEs हैं जिनमें आप प्रोफाइल डायल कर सकते हैं और वो CPE के साथ आप 50, 60, 70 यूज़र भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ CPEs के हिसाब से उनकी रेंज फिर मुख्तलिफ होती है। तो ये आपका 100 मीटर के एरिए में यूज़र्स को इंटरनेट दे देती हैं, उनके साथ सिग्नल मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उससे ऊपर जब आप या रूम के अंदर जाएँ तो सिग्नल फिर कम मिलते हैं, ओपन एरिया में अच्छे सिग्नल मिलते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मगर ये एक मेरा मशवरा माने तो ये कोई ठीक काम नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि जो अच्छे सिग्नल दे और पूरे गांव में सिग्नल हो, जिसमें गांव के अंदर घर के अंदर भी सिग्नल जाएं, बाहर ओपन एरिया में तो सिग्नल जाएंगे आपके, मगर मसला तब बनता है जब आपके सिग्नल किसी बंदे ने जिसने आपके साथ नेट लिया हुआ है उसके घर में जब वो दाखिल होता है या रूम में चला जाता है तो वहाँ पर सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो वीक जब सिग्नल होंगे नेट नहीं चलेगा। तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है मेरी तरफ से, आप ये नहीं करेंगे, आप करेंगे तो ये कनेक्शन आपके ख़राब होंगे, यूज़र ख़राब होंगे, तो नुकसान होगा उससे आपको। तो आपने डायरेक्टली जो एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार है उसके ऊपर ही चल के करना है, जिसमें Cat6 केबल यूज़ कर सकते हैं, फ़ाइबर केबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर राउटर्स को कनेक्ट कर लें आप, CP जो TP लिंक की जो लाइट बीम है उसके साथ आप कुछ राउटर्स हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर CPEs हैं उसके साथ भी राउटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रोफेशनली ही करनी ही पड़ेंगी, मगर दूसरे तरीके से आप ये जो जुगाड़ वाले काम है ये ज़्यादा अरसा नहीं चलते। तो ये थी आज की वीडियो, मेरा आंसर यही था। मज़ीद किसी को सवाल होता है तो आप कर सकते हैं, बाकी भी मैं सवाल जो हैं चैनल के ऊपर काफ़ी सारे आए हुए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उनको भी मैं बारी बारी आपको आंसर करूँगा। तो इंटरनेट के लिए कोई भी सवाल आपका हो, इंटरनेट का सोल्यूशन के हवाले से कोई मसला मसाइल आ रहा हो तो आप बिलाझिझक कमेंट करें, आपको आंसर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।